Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, director of Prayas physics classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Irodov. The question says, two interacting particles form a closed system whose center of inertia is at rest. Figure illustrates the positions of both particles at a certain moment and the trajectory of the particle of mass m1. Draw the trajectory of the particle of mass m2 if m2 is equal to m1 upon 2. तो बच्चों ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है. इसमें हमारे को क्या करना है, ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करनी है ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m2. जैसे m1 दिख रहा है कि m1 इस रास्ते को फॉलो करते हुए जाएगा, तो अगर m1 ऐसे रास्ते को फॉलो करते हुए जाएगा तो m2 कैसे रास्ते को फॉलो करेगा वो हमें सोचना है ना. तो चलिए सबसे पहले इस समय जो हमारे को डेटा दे रखा है या इस समय जो हमारे को डायग्राम दे रखा है इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है या फिर जो सेंटर ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, इट इज एट रेस्ट. तो बच्चों जैसा कि डेटा दे रखा है हमारे को कि m2 जो है वो कितना है, m2 इज एक्चुअली m1 अपॉन 2. तो हम लोग समझ रहे हैं कि m1 का जो मास है वो m2 का क्या है, डबल है ना. m1 इज ट्वाइस एज हैवी एज m2. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो कहां पर होगा, m1 और m2 को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही होगा, और ये m1 के ज्यादा पास होगा क्योंकि m1 ज्यादा हैवी है. और हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअली डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस है ना. तो जैसे कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये m1 और m2 को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है इसको हमें बेसिकली डिवाइड करना होगा तीन इक्वल पार्ट्स में ना, जैसे कि ये और ये, मैंने तीन इक्वल पार्ट्स में इसे लगभग डिवाइड कर दिया. तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां पर होगा, वो यहां पर होगा है ना, ताकि जो लाइन ज्वाइनिंग दीज टू मासेस है वो डिवाइड हो जाए इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस. जैसे कि m1 को मैं बोल सकता हूं ट्वाइस ऑफ m अगर m2 की वैल्यू जो है m है ना. तो इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि m1 के पास होगा सेंटर ऑफ मास. क्लियर है बात. तो इसी तरीके से हम लोग और भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग लोकेशंस के बारे में चर्चा कर सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि m1 जो है जब यहां पर पहुंचा है ना, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी सच दैट कि वो m1 और इस सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करते हुए बने. चलिए ट्राई करते हैं. तो देखिए बच्चों, मैंने m1 की अलग लोकेशन और सेंटर ऑफ मास की तो खैर एक ही लोकेशन है, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाई. अब मुझे क्या करना है, अगेन इस लाइन को तीन पार्ट में डिवाइड करना है ना. जैसे m1 और सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली लाइन की जो डिस्टेंस है नहीं, तो उतने के बराबर एक और सेगमेंट करना है. तो हम लोग समझ सकते हैं कि m2 जो है वो यहां पर होगा है ना. और इस तरीके से हम लोग फर्दर क्या सोच सकते हैं, कोई और लोकेशन भी ले लेते हैं ना m1 की, और उसके हिसाब से m2 की लोकेशन को ट्रैक करते हैं. तो देखिए बच्चों, मैंने m1 की एक और लोकेशन यहां पर चुन ली, और उसके हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि m2 की लोकेशन जो है m2 यहां पर पाया जाएगा है ना, क्योंकि हमेशा m1 और m2 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होगी, और सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, वो m1 के पास वाले लोकेशन पर होगा. ठीक है, तो हमारे को एक अंदाजा लग रहा है कि किस तरीके से m1 है ना, m1 आप देखिए कि अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो m2 भी आप देखिए कि वो क्लॉकवाइज ही घूम रहा है ना, ताकि सेंटर ऑफ मास जो है अपनी लोकेशन को मेंटेन कर सके. तो देखिए बच्चों, इन सारे लोकेशंस को ज्वाइन करते हुए है ना, जो m2 की ट्रेजेक्ट्री आ रही है वो कुछ इस तरीके की आ रही है ना. तो अगर मैं इन सारे लाइंस को मिटा दूं तो आपको देखने में और ज्यादा यहां पर क्लैरिटी मिलेगी है ना, कि किस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो m2 है वो घूम रहा है ना. अगर m1 इस तरीके से घूम रहा है इस रास्ते पर, तो आप देखिए कि m2 जो है वो किस तरीके से इस रास्ते पर घूम रहा है. क्लियर है ये बात. तो बच्चों यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर है ना. तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा. इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. टेक केयर बच्चों, बाय बाय.